नमस्कार, डिजिटल न्यूज 20 में स्वागत है। मैं हूं बिहार से प्रभात कुमार। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एकवा बहुत कमजोर हो गया है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी उनके आसपास जो चंडाल चौकरी के रूप में कुछ नेता और कुछ अधिकारी बैठे हैं, उसके कारण जो पार्टी के कार्यकर्ता और पुराने साथी और दल के निष्ठावान लोग हैं, उनके सामने अब बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है कि वह अपना अलग घर बनाए या पुराने घर में वह बने रहें। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो किसी जमाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरे सबसे बड़े जनता दल यूनाइटेड के नेता होते थे और केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 की सरकार थी उसमें वह इस्पात मंत्री भी थे, उन्होंने अब अपनी पार्टी बनाने का फैसला ले लिया है। पटना स्थित कश्यप ग्रीन सिटी में कई दिनों से इस फैसले को लेकर मंथन जारी था, सिर्फ घोषणा की बारी रह गई है। रामचंद्र प्रसाद सिंह इस बारे में पूछने पर स्वयं कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक रहेंगे, मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अब जो पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति है और जिस तरह से वहां घेराबंदी कुछ लोगों ने कर रखा है, उसके कारण मेरे ऊपर एक बड़ा दबाव है कि हम एक नए पार्टी का निर्माण करें। और इसके लिए अब लगभग फैसला ले लिया गया है, अब नाम झंडा और संविधान पर भी मंथन चल रहा है और बहुत जल्द नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। ऐसे में अब जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक नए घर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उधर भारतीय जनता पार्टी से लगभग पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ RCP का मुंह भंग होता दिख रहा है। वो लंबे समय से केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फैसले के इंतजार में थे। जिस तरह से उनको पार्टी में लाने के बाद पार्टी ने डंप कर दिया, अब उनके पास एक राजनीतिक यक्ष प्रश्न था कि अब वो अपनी राजनीति को जारी रखें या राजनीतिक संन्यास ले लें। इस बारे में मंथन के बाद जो कार्यकर्ताओं और उनके सहयोगियों का विचार बना है, उसके आधार पर यही फैसला लिया गया कि एक नई पार्टी का निर्माण कराया जाए और जो भी पुराने जनता दल यूनाइटेड के साथी हैं या समता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जो किसी कारण से जनता दल से और समता पार्टी से अलग हो गए हैं, उनको फिर से बटोरकर इस पार्टी में लाया जा। और भाजपा के बारे में जब उनसे मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब नई पार्टी बनेगी तो निश्चित तौर पर पुरानी पार्टी से इस्तीफा तय है, यानी वह भाजपा से नाता तोड़ने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में वापसी के लिए कोशिश जरूर चल रही थी, लेकिन जिस तरह से वहां घेराबंदी है और जो लोग अब इस पार्टी को अब पूरी तरह से मुट्ठी में कर रखा है रामचंद्र प्रसाद सिंह के प्रवेश को लेकर कि वह पार्टी में कहीं से वापस न हो जाए, घेराबंदी कर रखी है, उसको देखते हुए अब अंतिम फैसला यही हुआ है कि वह नई पार्टी बनाएंगे और बिहार में एक नई पार्टी का जन्म 15 दिन के भीतर होने जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में कुर्मी जाति के लोगों की भागीदारी जो बैठक हुई थी उसमें हुई। उत्तर बिहार के कुर्मी समाज के काफी लोग उस बैठक में आए और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गंगा के पार के जो कुर्मी हैं, जो हाजीपुर से लेकर तमाम उत्तर बिहार के इलाके के कुर्मी हैं, उनके 20 सालों के शासन में जनता दल यू के उनकी उपेक्षा हुई है। उनको न आयोग में कोई जगह मिली, न समिति में जगह मिली, जो भी जनप्रतिनिधि का भी जो भी चयन किया गया उसमें उनकी संख्या नहीं रही। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सब लोग हम लोग मिलजुल कर चलेंगे और सभी लोगों के मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा, इस तरह से कोई एकांगी योजना
नहीं बनेगी। 20 सालों के शासन में यह सच है कि उत्तर बिहार की कुर्मी उपेक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।